ये जो उन्होंने कहा है कि सरकार मैं हूं, ये शब्द उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि श्याम जादू जी भी बोल रहे हैं और अदिति भी बोल रहे हैं कि निश्चय ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरीके से श्याम जादू जी ने जो तर्क दिए हैं, ये तो अपने आप में इतना अजीब लगता है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं और अचानक चूंकि हमारी इदार या हमारा दुराव जो है उस सरकार से है जो चुन के आई है, या उसकी जगह कल हम चुन के आते तो अच्छा होता, उस रंजिश में आप उन मूल्यों का विरोध कर रहे हैं जिनको लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। मुझको ईमानदारी के लिए मैंने उन्होंने ये कहा कि उनके कुछ अधिकार दायरे हैं, श्याम जाजू जी ने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार ही सरकार है। पर 239 धारा की जो बात है, मुझे आप दो मिनट दें, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे बात पहुंची हुई है, और खासकर राज्यपाल पद या उपराज्यपाल कहिए, उसकी जो गरिमा है वो गरिमा इतनी गिर चुकी है, और इस तरह का टकराव यहां पर है कि सवाल इसका नहीं। देखिए केजरीवाल तो इसके आदि हैं। केजरीवाल की दो चीजों की पहले मैं आलोचना जरूर करना चाहूंगा। एक तो वो टकराव की राजनीति करते हैं, वो चुनने का अधिकार उनको है, मैं मानता हूं। महिला आयोग का अध्यक्ष चुनने के बाद उनको फाइल भेज देनी चाहिए तुरंत कि ठीक है ये हमने चुना है। मान लीजिए 17 को फाइल भेजी गई है, ये कह भी रहा है कि 17 तारीख को फाइल भेजी गई और 20 तारीख को उन्होंने चार्ज लिया, लेकिन बीच में सैटरडे संडे भी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब अप्रूवल लेंगे, इंतजार करना चाहिए, ऐसा उनका बयान आया है। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि उन्होंने भी चुनाव करते वक्त उसको चुना है जो पार्टी की कार्यकर्ता है, जैसे उन्होंने हिंदी अकादमी के पद पर मैत्री पुष्पा को रखा जो उनकी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी। महिला आयोग पर चूंकि न्याय का मामला है, कोई न्याय सम्मत व्यक्ति रखा जाता है, वही काम कर रहे हैं जो भाजपा या कांग्रेस करती। पर ये तो दो बातें मैंने मुझे लगा कि पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये जो बात है जो गवर्नर साहब या उपराज्यपाल कहते हैं, ये बात इतनी हास्यास्पद है। और मैं जादू साहब को इसलिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि 239 धारा के 6 खंड हैं, छठे खंड में साफ लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ये जो दिल्ली का जो अदिति जी ने कहा कि ये यूनियन टेरिटरी है, इस बात की दलील बार बार दी जाती है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़ में मंत्रिपरिषद नहीं है, दिल्ली में दोनों हैं। और आपका संविधान की धारा 239 जिसका जिक्र जादू साहब कह रहे हैं, उसी के छठे खंड का हिस्सा कहता है साफ साफ कि जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगी। तो इसमें उपराज्यपाल अब कहां आ गए? उपराज्यपाल की जो भूमिका है, ये जो 74 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब का मुकदमा था, 7 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया था इस मामले में, जब राज्यपाल और राष्ट्रपति की परिभाषा तय की गई कि इनका पद शोभा का है, इनको वही अधिकार प्राप्त हैं जो इंग्लैंड में राजा या रानी को प्राप्त हैं। और वो अधिकार, 3 अधिकार उनको सिर्फ हैं कि वो सुन सकते हैं, वो एनकरेज कर सकते हैं और वो वॉर्न कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। अब ये कहना कि अभी तो उपराज्यपाल हैं, ये राज्यपाल नहीं है, लेकिन इसमें भी वही शब्द काम में लिए गए हैं, एड एंड एडवाइज, जो राष्ट्रपति के बारे में भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइज के लिए प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल का निर्माण, राज्यपाल तो उपराज्यपाल वाली, इसमें भी जो ये 239(4) है उसमें एड एंड एडवाइज लिखा हुआ है, एड एंड एडवाइज लिखा गया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह वाले मुकदमे में कहा था कि ये शोभा के शब्द हैं, एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, इनको लिटरल मत लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो राजा महाराजाओं का राज आ जाएगा, चुनी हुई सरकार का राज नहीं होगा। जो लोग चुन के आएंगे फिर आप ही कहेंगे कि राज तो हमारा है, आप तो हमको सिर्फ एडवाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है। ये जो कहा गया है ये इस पर भी लागू होता है। और जो ये छठा जो पॉइंट है जिसमें साफ कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगी, और विधानसभा का मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा, तो ये जो चीज है इसको झुठला के, और एक राज्यपाल अपनी नौकरी पक्की रखने के लिए या अपनी वफादारी ज्यादा साबित करने के लिए, या एक जो राग द्वेष हो गया है मुख्यमंत्री के साथ, मेरा मानना यह है कि वो इतना खतरनाक मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि पद की गरिमा जो है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से उनका समर्थन कर रही है, दोनों का आप देखिए, डायरेक्टर साहब परेशान, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा जिस तरीके से उनका समर्थन कर रही है इसमें मिलीभगत तो साफ जाहिर है। अभी तो श्याम जाजू जी नहीं कर रहे हैं।